कह है। क्या कहलाएगा <ेंगागा थ�तिका> चंद्रमा का चंद्रमा <गएगा थि Hayır> को रात किरानी तथा पृथ्वी का, का जीवाश्म कहा जाता है रात रानी और पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है चंद्रमा हमारे बहुत करीब है तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर है करीब मत समझिएगा कितना किलोमीटर है तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर इसके बावजूद चंद्रमा तो है इलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है घूम रहा तो कभी वो करीब आएगा और कभी वो दूर जाएगा कभी वो करीब आएगा तो कभी वो आगे बढ़े बताइए पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का चक्कर और इनडायरेक्टली वो किसका लगा रहा है सूर्य का किसका लगा रहा है सूर्य क्योंकि हर चीज तो सूर्य का ही चक्कर लगा है तो चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है सूर्य यहां पर हो गई आपकी पृथ्वी पृथ्वी आप का चक्कर कौन लगाएगा चंद्रमा इसका चक्कर लगाएगा चक्कर लगाते लगाते कभी चंद्रमा करीब आ जाता है और कभी ये चंद्रमा दूर चला जाता है कभी दूर और कभी पास किससे दूर और पास हो रहा है और यही तो कंडीशन हो रहा था पृथ्वी का भी वह सूर्य से पास और सूर्य से दूर हो रही पढ़ा दिया ना जब वह सूर्य से दूर हो रही थी तो वह अप सौर आप मतलब ज्यादा सौर मतलब सूर्य सूर्य से ज्यादा हो गया तो अब सूर्य सौर। से दूरी घट गई तो उप सौर। तो अप सौर उप सौर अप बढ़ने को दर्शा रहा सौर शब्द सूर्य के लिए आ रहा अप किसके लिए किसके लिए दूरी बढ़ने को दर्शा दूरी को बढ़ने को दर सौर मतलब सूर्य से उसी प्रकार जब दूरी बढ़ जाती है किस पृथ्वी से तो इसे कहेंगे अप मतलब बढ़ जाना अप मतलब बढ़ जाना तो अप मतलब बढ़ गया अब भूमि मतलब जमीन अप भू क्या कहेंगे अपभू बढ़ गया एपी ग्यू बढ़ गया तो एपी और घट गया तो उपभू क्या कहेंगे उपभू घट गया तो उप मतलब घट जाएंगे भू मतलब जमीन से पेरीगी क्या हो गया पेरीगी आइए क्या हो गया एपीगी वो एपी हेलियन था ये एपी है है वहां पे आपका पेरी हेलियन आइए पेरीग्यू क्या है पेरीग्यू किसी को कोई दिक्कत नहीं ना आप बताइए अगर हमें अपना कोई सेटेलाइट कहां पे छोड़ना हो चंद्रमा पर तो बताइए किस स्थिति में भेजेंगे अपभू की उपभू पे भेजेंगे उपभू चंद्रमा कितना दूरी है तीन लाख चौरासी हजार डिस्टेंस कितना है तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर चौरासी आपको पता है कि प्रकाश एक सेकंड में तीन लाख चल जाता है तो एक सेकंड में तो तीन लाख चलिए गया बज गया चौरासी किलोमीटर चौरासी हजार ना तो वन पॉइंट थ्री सेकेंड वन पॉइंट थ्री से एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर दस मलव तीन में चौरासी है अब इसको ही मत सोचिएगा कि एक मिनट तीन सोच सोचा बहुत दूर हो जाएगा बहुत दूर हो जाएगा आपका बताइए दूरी कितना है तीन लाख चौरासी है। कितना समय लगता है वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट थ्री सेकेंड वन से मतलब लगभग डेढ़ सेकंड ऐसे बोलिएगा लगभग डेढ़ और ना वहां जाके एक मिनट तीन सेकेंड मार देगा से। सब सब चौपट हो गया एक मिनट में तो प्रकाश करें कितना दूर चल जाएगा चंद्रमा अब ये देखिए ये एवरेज डिस्टेंस है तीन लाख चौरासी कभी ये बढ़ता है कभी ये घटता सूर्य से आने में आठ मिनट बीस सेकेंड एवरेज है कभी घट भी जाता है ये डिपेंड करता है कि अपसौर और उपसौर एवरेज डिस्टेंस कितना था पंद्रह करोड़ किलोमीटर सूर्य से तब और चंद्रमा से तीन लाख चौरासी अब मेरी ओर ध्यान से देखिए हमारा जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है हम सूर्य का एक चक्कर लगा दिए तो एक साल कैलेंडर पूरा हो गया तो हमारा कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है कि सूर्य में यानी चंद्रमा से हमारा कोई कैलेंडर से मतलब नहीं है इसलिए अमावस और पूर्णिमा फिक्स डेट को नहीं होता है अमावस और पूर्णिमा फिक्स डेट को नहीं होगा आगे बढ़े ना तो देखिए जिस तरह से हमारा कैलेंडर सूर्य पर आधारित है इसलिए हम लोग अब सौर का डेट फिक्स कर दिए थे चार जुलाई और उप सौर का डेट फिक्स कर दीजिए आप चंद्रमा का नहीं फिक्स कर सकते क्योंकि चंद्रमा जो है उस हम चंद्रमा के हिसाब से फॉलो नहीं करते हमारा अट्ठाईस दिन में चंद्रमा एक चक्कर मार देता है अट्ठाईस दिन में क्या करेगा चक्कर सपोज कीजिए कि अगर हमको ये पता चल जाए कि अपने चक्कर के पाँचवें दिन चंद्रमा हमसे एकदम करीब आ जाता है ये पता चल गया कि अपने चक्कर के कौथे दिन पांचवे हमारे करीब आ जाता है तो ससुराल तुम्हारा महीना भी तो तीस का होना चाहिए तब ना अगला पांचवा पांचवा दिन महीना पांचवा दिन आ जाएगा अब जनवरी का पांचवा दिन अगर पांच जनवरी को आ रहा है तो फरवरी का पांचवा दिन इक्के फरवरी को चलाएगा क्योंकि सूर्य का महीना तीस दिन और चंद्रमा का अट्ठाइस दिन तो दोनों का पांच पांच पांचवा दिन क्या बराबर होगा तो क्या अपभू और उपभू का डेट फिक्स कर पाएंगे न क्योंकि दोनों का महीना तीस का नहीं होता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आ किसी को कोई दिक्कत वो महीना कितना का हो जाता है अट्ठाईस का हो जाता हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के दोनों के त्योहार चंद्रमा पे डिपेंड है लेकिन अंतर समझिएगा हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो सख्सम पदार वो भी चंद्रमा पे फॉलो करता है और वो हर ती, तीन साल के बाद एक अच्छा खासा गैप हो जाता है अट्ठाईस दिन का अगर है तो हर महीने कितना हर स... लगभग आपका अट्ठाईस दिन का महीना होता है तो हर साल दिन क्या होने लगता है घटने लगता है हर साल दिन क्या हो जाएगा घट जाएगा अट्ठाईस उनतीस अट्ठाईस उनतीस और वहाँ पे महीना कितना हो रहा है तीस इकतीस तीस इकतीस खैरों में सोच रहे परवरी अट्ठाईस का हो जाता है तो सब चौपट कर देता है वहाँ पे यानी और एवरेज अगर आप देखेंगे ना तो ग्यारह बारह दिन का डिस्टेंस आता है साल में चंद्रमा में और हमारा जो महीना होता है अंग्रेजी का महीना और जो हम लोग हिंदी वाला महीना मानते हैं साल के लास्ट में अगर देखिएगा ना तो ग्यारह बारह दिन ही आगे हिल जाता है यानी अगर आप चंद्रमा पे आश्रित है और कोई सूर्य पे है तो सूर्य वाला बारह दिन आगे हो जाएगा और चंद्रमा दिन बारह अब किसी साल ग्यारह दिन पीछे होगा तो किसी साल बारह दिन हो जाएगा लीप ईयर भी डिपेंड करता है इसलिए जो भी त्यौहार अगर चंद्रमा पर आधारित है हर साल ग्यारह बारह दिन पीछे घसक जाता है समझ में आ गया कि नहीं गया जैसे इस्लाम धर्म का जितना त्यौहार चंद्रमा पर ईद इस बार कितने तारीख को था बकरीद नौ जुलाई को था तो नौ दस मान के चले तो अगली बार पड़ेगा ना जुलाई में नहीं अब अट्ठाईस या 29 अगस्त के 29 जून में पड़ जाएगा घसक जाएगा ग्यारह ग्यारह दिन पीछे हमेशा क्या होता है घसकते रहता है ग्यारह बारह दिन क्या हो जाएगा पीछे घसक जाएगा समझ रहे हैं इस्लामी कैलेंडर हिजरी कैलेंडर को कहते हैं हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत वो किस पर आधारित है चंद उसका त्यौहार हमेशा एक हर साल ग्यारह बारह दिन पीछे घसकेगा और घसकते रहेगा यानी अगर ईद जून में पड़ रहा है ना गर्मी में तो दस पंद्रह साल बाद वो घसक के जा तीन साल पे एक महीना हेल जाता है हर साल ग्यारह दिन गया ग्यारह अगले साल बाईस उसके बाद तैतीस यानी तीन साल में एक महीने पीछे चल जाता है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे अरे <laughs> कैलेंडर छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा आगे देखते हैं हर साल क्या होता है पीछे घसक जाता है हिंदू धर्म भी चंद्रमा पर आधारित है सक उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है स्ट्रॉन्ग इन देंस मलमास एक महीना हो जाता तीन साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता तो यानी एक महीना घसकने में तीन साल लगता है दिन 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 यानी लगभग का अप्रोक्स एक महीना मानते हैं इसलिए देखिएगा हिंदू धर्म के जितने त्यौहार होंगे ना तीन साल तक घसकेंगे फिर चल जाएगा यानी होली महीने के मार्च के लास्ट में पड़ेगा फिर वो बीस तारीख के आसपास पड़ेगा फिर दस तारीख के आसपास पड़ेगा फिर एक तारीख के आसपास पड़ेगा हो गया अब जैसे मलमाश जुड़ेगा फिर चल जाएगा उनतीस तीस तक समझ में आ गया कि नहीं आएगा जबकि इस्लामिक कैलेंडर में मलमास का ही नहीं है और आ, होता है क्या है कि मलमास हम हर साल आता है तीन साल के बाद शक शख्स में एक्स्ट्रा महीने डाल दिया जाता है क्या बोला जाता है मलमास और उसमें सुनते हैं चिकन मटन नहीं खाया जाता सावन ओवन में भी नहीं खाया जाता नवरात्रि में शादी भी भी नहीं होता तो खैर वो सब तो अब पंडित जी का डिपार्टमेंट है कि शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा पंडित जी हो तू तु। वैज्ञानिक तुम भी पंडित जी हो ये सब जानते हो कि नहीं ये सब चीज तो घरे में सीख लेते ये अब जैसे को, कोई कोई सोनार फैमिली से तो ऐसे तो बनाना सीख जाएगा कुछ कुछ चीज बनाना नहीं सीख जाएगा सुना रहे तुम अच्छा बात है एक्स्ट्रा टैलेंट रहना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि जैसे पंडित जी हैं तो ठीक है पढ़ाई से थोड़ी दूर रहना चाहिए अब जैसे ई है पंडित जी आई आगे जाके जाएगा तो एकदम मॉडर्न बनेगा चल अब ध्यान से देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना मलमास नहीं समझ में आ गया हर तीन साल पे जोड़ दिया जाता तो हिंदू धर्म के जितने त्यौहार है आएंगे पीछे अब फिर चले जाएं बैलेंस हो जाएंगे इसलिए घुमा फिर आके वहीं रहने वाला है समझ में आगे नहीं बट इस्लामिक कैलेंडर में क्या कोई मलमास का व्यवस्था है नहीं पहले ईद उद पड़ता था दिसंबर में घसक के आया है कहाँ पे जून में आज से 10-12 साल पहले हम लोग के समय में ईद वगैरह पड़ता था कब ठंडी के दिन में बहुत पहले तो उतना पुरान है करी हाँ सर अरे ठंडी में पड़ता था ये 2001 हजार दो के आसपास आगे का बात है बहुत पहले पड़ता था फिर आएगा अच्छा मम्मी बताती है ठीक है अब करी नहीं सर हम उतना पुरान नहीं है मम्मी बताती है अरे उतना पुरान थोड़े होगा कोई आगे बढ़े हैं वैज्ञानिक है पुराना है कुछ दिन में जीवाश्म बन जाएगा कार्बन चौदह अबू का फिक्स कर सकते हैं yeah. नहीं yeah. रीजन क्या है कि दोनों का कैलेंडर सेम नहीं होता है, तीस 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 है, है। तो तो इसलिए आप देखिएगा जो जो त्यौहार चंद्रमा पर आधारित हैं वो कभी फिक्स नहीं रहेंगे वही अगर क्रिश्चन का देखिएगा सूर्य पर आधारित उनका क्रिसमस फिक्स है पच्चीस हाँ? दिसंबर उनका क्रिसमस क्या रहता है फिक्स फिक्स है उनका गुड फ्राइडे अप्रैल में पड़ेगा उनका क्या हो जाता है फिक्स रहता है और बाकी अगर इसको देखिएगा फिक्स नहीं रहेगा इस्लामिक कैलेंडर तो कभी फिक्स नहीं होने वाला है महीने बदल जाए एह, और हिंदू कैलेंडर में महीना एटलीस्ट फिक्स होता है मकर संक्रांति सूर्य संक्रांति मतलब होता है सूर्य पे वो कभी चेंज नहीं होता है सौ साल पे हल्का सा ट्रांजिशन होगा सौ साल पे तब होगा यहाँ पे अदरवाइज में ऐसा नहीं आगे बढ़े अरे अभिष्कर्मा पूजा वगैरह कुछ कुछ विक्स रहते हैं अब ऐसे आगे समझिए अपबू उपभू समझ में आ गया बताइए चंद्रमा बड़ा कब दिखेगा उपभू के समय इस समय चंद्रमा क्या दिखेगा बड़ा इस समय चंद्रमा छोटा चंद्रमा कितना बड़ा दिख जाएगा वो अपना मैक्सिमम उनसठ परसेंट ही दिखता कितना परसेंट मैक्सिमम कितना परसेंट दिखता इससे आपको चंद्रमा नहीं दिख सकता कितनों पास आ जाए फुल वोल्टेज में दिखेगा तो कितना दिखेगा उनसठ पर इसे कहेंगे सुपर मूल क्या कहेंगे चंद्रमा जब बहुत करीब आ जाता है तो उसका आकार हमें 59 परसेंट यानी लगभग 60 परसेंट दिखने लगता है किसी भी चीज को आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते जैसे हम ही को आप देख रहे हैं आपके सामने खड़े हैं तो पीठ का दिख रहा है नहीं उसी तरह आप चंद्रमा का कैसे हंड्रेड परसेंट देख लीजिएगा ओ पार वाला चीज हुआ कैसे देख लेंगे नहीं देख सकते मैक्सिमम कितना देख सकते हैं क्या हो गया ये सुपर मून कौन मून सुपर मून किसी को कोई दिक्कत नहीं ना अभी एक न्यू मून आएगा एक फुल मून आएगा एक ब्लू मून आएगा एक रेड मून आएगा एक सुपर मून आएगा चलिए पहले आप सुपर मून समझ आ गया चंद्रमा का मैक्सिमम साइज कितना देख सकते हैं फिफ्टी नाइन उनसठ प्रतिशत देख सकते हैं। आगे बढ़ गए चंद्रमा की अब कलाएं देखते हैं। क्या चीज देखते हैं चन... चंद्रमा की कलाएं अपूपू समझ में आ गया चंद्रमा का पृथ्वी का जीवाश्म रात की रानी का जाता चंद्रमा पर बाहर कोई वायुमंडल है तो उल्का पिंड गिरेगा तो कोई रोकने वाला है भड़ाम भड़ाम उलका पिंड क्या होगा गिरेगा और कोई रोकने वाला नहीं है इस वजह से चंद्रमा पे गड्ढे होंगे कि नहीं होंगे चंद्रमा पे गड्ढे को बताइए उल्कापिंड पिंड से बनने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं उल्का पिंड से बनने वाला गड्ढा क्रेटर बताइए चंद्रमा पे क्रेटर होगा सबसे नजदीकी ग्रह बुध, शुक्र पृथ्वी मंगल यहां पर शुद्ध ग्रह कौन से ग्रह क्षुद्र ग्रह ये सब कौन है सर क्षुद्र अब ग्रह के बाद इधर हो गया आपका बृहस्पति मंगल और बृहस्पति की कक्षा में वैकुम क्लीनर ये हो कौन हो गया पृथ्वी पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहा है कौन चक्कर लगा रहा है चंद्रमा चक्कर क्या चंद्रमा पे वायुमंडल है तो वायुमंडल ना होने के कारण क्या यहाँ पे जीवन फिलहाल संभव है जीवन संभव नहीं है वायुमंडल नहीं होगा तो क्या धूल कण होंगे नहीं। धूल कण नहीं होंगे तो क्या प्रकाश बिखरेगा नहीं। आसमान काला अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखेगा काला जब तक प्रकाश बिखरेगा नहीं तब तक रंगीन नहीं दिखेगा प्रकाश का बिखरना जरूरी है तो चंद्रमा से अंतरिक्ष कैसा दिखेगा काला क्या चंद्रमा पे ध्वनि उत्पन्न हो सकती है हो सकती है सुनाई नहीं देगी चंद्रमा पर उत्पन्न हो जाएगी लेकिन सुनाई नहीं देगी चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं। इस वजह से अगर कोई उल्का पिंड गिर गया तो क्या कोई रोकने वाला है ऐसे इस पे बड़ा बड़ा उलका पिंड क्या होंगे गिरेंगे और बड़ा बड़ा गड्ढा होगा उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढा को क्रेट क्या कहेंगे क्रेट और जो बड़े आकार के गड्ढे हैं उनमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पा क्योंकि गड्ढे में एक ही साइड में न प्रकाश जाएगा अब जैसे हम ऐसे मुंह खोलें ऐसा मुंह खोल दिए तो आप इसमें टॉर्च जलाएंगे तो क्या पूरा मुंह रोशनी तोड़े होगा एक फिक्स डायरेक्शन में ही होगा यहाँ पर अब इतना दिन है फिर भी मुंह में देखिए अनहार है है कि नहीं है कर यहां तक दिखाई दे रहा है उल्लू सबको अंधेरे में दिख जाता है किसी किसी का पिछले जन्म का कुछ लक्षण छूट जाता है <laughs> क्रेटर समझ में आ गया? उन क्रेटरों अब मेरे पूरे फेस पे प्रकाश है है? कि नहीं लेकिन मुंह में नहीं है वैसे ही चंद्रमा पे भी नहीं है तो वो अंधेरा दिखता है उसी को क्या कहते हैं दाग है चांद में दाग है। कोई दाग नहीं है सब क्या है गढ़ा समझ में आ गया कि नहीं गया चांद में कोई दाग नहीं है यहाँ पे खाली आदमी बैठ हम क्या बोलते हैं अभी आप लोग उसी एज में है कि आपको कोई ना कोई साथी चाहिए खिलौना वाला उम्र पार हो गया अब साथी वाला उम्र चाहिए इसके बाद आपको चाहिए होगा नाम और शोहरत इस उम्र को क्रॉस करेंगे ना फिर आपको खिलौनों से कोई मतलब अभी आपको खिलौने में इंटरेस्ट है एक एज क्रॉस करिएगा ना तो फिर आपको साथी उथी से मतलब नहीं है जो 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 जो। फिर आपको क्या चाहिए होगा अपना नाम और अपनी पहचान बनाने का शौक़ होगा फिर उसको पार कर जाएंगे तो थोड़ा सा सामाजिक दायित्व तो, समाज में दस लोग जाने परिवार का दायित्व तो निभा दे उसके बाद भगवान के सन्यासी तो ले तो अभी आप लोग को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है समझा कर समझा गया कि नहीं जिसने वो सेकेंड स्टेप हुआ क्रॉस कर गया ना दुनिया उसकी खिलौनों के बाद सीधे अपने आप पे जाइए उस साथी वाला जो हो जाता ना छो, इसको इसको छोड़ने का एक ही उपाय है आप देखिए मत देखने के बाद तो आप तो गए आखिर दो घंटा गहन... आखिर दो घंटा तीन घंटा मेकअप किस लिए हां आप उसके बाद भी नहीं फिसलेंगे तो फिर तो कंपनी वाला सब किस चीज का रिसर्च कर बाकी अगर आपको यह लगता है कि आप देखकर बच जाइएगा इम्पॉसिबल चलिए ध्यान समझिए देखिए कह रहा है कि हम नहीं देखते हैं देखते है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं <laughs> मतलब देखता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया इस एज में बहुत बड़ी खराबी आप बताओ एक कोई छोटा लड़का है वो खिलौना के लिए जीत करेगा कि नहीं अब आप उसको लेके जाइएगा खिलौना जिस गली में बिक रहा ही से मानेगा वो उसको ले जाइए सब्जी मंडी की ओर से समझ में आ गया कि नहीं आ गया उसी तरह अभी आप लोग को खिलौने से मतलब नहीं है अभी क्या जी तो उस गली में जाइए ही नहीं तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है अरे गधा खैर तुमको तो वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला पूछे कोई ना पूछे लेकिन वो अपना लाइफ तो खराब कर लेगा ना काल्पनिक दुनिया में <laughs> <laughs> आ? काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो चलो ध्यान दे टकला, हाँ, टकला रहो उल्टा सीधा रहो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ज्यादा ताम झाम नहीं अब लोगों के एकदम परफ्यूम सेंट और क्रीम पाउडर लेके घूमने तो भैया वो भी तो उसी एज में है <laughs> <laughs> नहीं समझे आग दोनों और लगती है <laughs> चलो अब ध्यान इधर। चल इधर चंद्रमा समझो चंद्रमा समझ में आ रहा है तो चंद्रमा पे उल्का पिंड के गिरने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने क्रेटर बन गए हैं चंद्रमा का हम लोग अब फेजेज देखते हैं चंद्रमा का फेज कलाएं देखिए। चंद्रमा के पास अपना डायरेक्ट रोशनी नहीं है वो सूर्य की रोशनी को हमारी ओर रिफ्लेक्ट करता है इस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है अब अलग, अलग अलग एंगल से अलग अलग रिफ्लेक्ट करता है जिस वजह से इस तरह की घटनाएं है होती हैं फेजेज का मतलब होता है चंद्रमा का बड़ा और छोटा दिखाई देना चंद्रमा का बड़ा और छोटा दिख उसी को क्या कहते हैं फेज ये ब्लू कलर से हमारी क्या हो गई पृथ्वी पृथ्वी हो गई और ये वाला हो गया मान के चलिए सूर्य ये क्या हो गया सूर्य सन हो गया ये क्या हो गया सन सूर्य अपना प्रकाश किसको देता है चंद्रमा को भी देता है और पृथ्वी को भी देता है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को देता है ये बताओ बाबू अगर बीच में यहाँ चंद्रमा आ जाए यहाँ बीच में क्या आ जाए चंद्रमा क्या यह प्रकाश हमें मिल पाएगा मिल जाएगा एक साइड साइड से ऐसे ऐसे अरे एक के डायरेक्शन में थोड़ी है ऊपर नीचे हो सकता है नहीं हो सकता है अगर ये हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे तो ऊपर से उसको मिल जाएगा नीचे से इसको मिल जाएगा नहीं समझ में आया ऊपर नीचे है सब हल्का सा तो पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं है पांच डिग्री ऊपर पांच डिग्री नीचे तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ऊपर वाला चंद्रमा को नीचे वाला पृथ्वी तो ना चंद्रमा को प्रकाश की कमी हो रही है ना पृथ्वी को दोनों अपने अपने से स्वतंत्र जी रहे हैं किसी को कोई को दिक्कत है तो चंद्रमा का पूरे चंद्रमा क्या प? सूर्य से उस प्रकाश को रोक सकता है जो पृथ्वी की ओर आ रही है क्यों नहीं रोक सकता पांच डिग्री ऊपर नीचे कितने डिग्री ऊपर नीचे पांच डिग्री ऊपर नीचे यह बताओ बाबू यह है चंद्रमा किसी को कोई दिक्कत ये चंद्रमा है सूर्य का प्रकाश किधर की ओर पड़ेगा यहां की ओर पड़ेगा यहां पड़ेगा ना तो यह ऊपर वाला भाग जो है उस पर प्रकाश पड़ने लगा बताइए ऊपर वाले भाग में प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ऊपर yeah. तो का भाग में प्रकाश पड़ गया क्योंकि ये सामने दिखा क्या नीचे वाले भाग में प्रकाश दिखेगा yeah. तो नीचे वाले में प्रकाश नहीं जाएगा नीचे वाले में प्रकाश नहीं जाएगा और ऊपर वाले में प्रकाश जाएगा हम लोग कहाँ बैठे हैं पृथ्वी पर और हम लोग जब देखेंगे तो हमें चंद्रमा कैसे दिखेगा काला हमें चंद्रमा कैसे दिखेगा तो क्या चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो पट्टी पड़ रहा है जिस पट्टी हम लोग हैं उस पट्टी नहीं पड़ उस पट्टी पड़ रहा है तो चंद्रमा का दूसरा पट्टी होता है ना उसे हम लोग कहते हैं सी ऑफ ट्रanquिलिटी सी ऑफ ट्रanquिलिटी मटेरियल में सब लिखा हुआ है टेंशन नहीं लीजिए आप क्या कहते हैं सी ऑफ अरे बोल रहे हैं लिखा ले तो कर देखेगा सब जरूर बगल लिया लिख लेओ में घर देख के नहीं आई तो इनको भरोसा नहीं रहता है सबको हां हां चलो तो ध्यान से देखते हैं आप इधर देखो दोबारा हम यहां पर हैं और उधर कौन है, है? सूर्य यह हो गया पृथ्वी उधर हो गया सूर्य और बीच में हो गया चंद्रमा जब सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देगा तो उस साइड वाला प्रकाशित हो तो जाएगा और हम लोग देख रहे हैं नीचे से तो हम लोग को क्या दिखेगा काला काला सूर्य का चंद्रमा का दूसरा साइड वाला भाग सी ऑफ ट्रेंक्यूलिटी कहलाता है शांति का सागर क्या कहलाता है एकदम शांति वाला दुनिया कौन शांति वाला दुनिया आगे बढ़े अगर चंद्रमा पर धूल नहीं है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है चंद्रमा खुद कर रहा है चंद्रमा खुद कर रहा है धूल, रहा है। धूल कौन नहीं है तो प्रॉपर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है चंद्रमा कर रहा है न कि धूल कण कर रहा है धूल कण रहता तो कुछ प्रकाश चंद्रमा के पास बिखर जाता और चंद्रमा से आसमान रंगीन दिखता लेकिन धूल कण नहीं है सारा प्रकाश कहाँ आ गया चंद्रमा पर और रिफ्लेक्ट होके कहाँ दिख रहा है पृथ्वी पर दिख रहा है आगे बढ़ जाए किसी को दिक्कत हमें चांद दिखाई देगा तो हमें चांद काला दिखेगा हमें चांद काला काला दिखेगा तो इसे कहेंगे अनहरिया क्या कहेंगे अनहरिया अनहरिया आमावस कौन सा अमावश आमावस की रात समझ में आ गया कि नहीं आ गया हिंदी में क्या कहते हैं अनहरिया सीबीएसई वाला कहेगा न्यू मून क्या कहता है न्यू मून सीबीएसई वाला क्या कहेगा न्यू मून किसी को कोई दिक्कत नहीं ना अंग्रेजी वाला अलगे नाम देता है सब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना वो सब का अलग नाम रहता है लोग का दुनिया अलग है वहां पर को कोई दिक्कत नहीं अनरिया आप लोग में से है कोई सीबीएसई वाला डरे बताइए नहीं करता <laughs> 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 पीछे है तुम काला दानो सीबीएसई वाला है तुम आप ध्यान दीजिए है लड़की लोग इधर देखो कौन चीज देख रही है काला दानो <laughs> बोलिए बीस बार समझा आपको काला दानो देखने की जरूरत नहीं है आप पढ़ाई में लापरवाही कीजिए आपको परमानेंट मिल जाएगा <laughs> देखते रहिएगा काला दानों मोबाइल पे वाल पेपर लगा के <laughs> नहीं जाना <जान्याया। laughs> <नहीं जान्याया। laughs> काला दानो तुमको कोई दिक्कत <laughs> नहीं कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई करो 20 <laughs> बार समझाते हैं देखने का जरूरत है काला दानो सबको आप इधर ध्यान दीजिए अब ये इधर गति करेगा क्योंकि चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है या। अब यहां आ गया कौन चंद्रमा यहां से गति करके आएगा ना जी ऐसे ऐसे गति करते हुए जाएगा गोल गति कर अब ये बताइए सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं चंद्रमा पर अब इस साइड में पड़ेगा इस साइड में पड़ेगा? पड़ेगा और बाकी ये वाला साइड कैसा वाला साइड कैसा हो गया काला काला हो गया किसी को दिक्कत अब ये बताओ अब हमको जो चंद्रमा है पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा बल्कि ये थोड़ा सा अब हमें नजर आने लगेगा थोड़ा सा हमें नजर आने लगेगा थोड़ा नहीं नजर आएगा जी बताइए थोड़ा सा नजर आ गया ये रियल है और ये हमको बता रहे हैं कि ऐसा आभास होगा ऐसा आभास अब ये बीच वाला मिटा दें बीच वाला मिटाइयो देंगे तो चलेगा ये तो हम आपको क्लियर करना बताइए यहाँ कैसा आभास होगा पूरा ब्लैक यहाँ कैसा होगा हल्का ये बीच वाला मिटा भी देंगे तो आप ही बताइए यहाँ कैसा आभास होगा यहां पर आधा आधा हमको थोड़ा सा दिखने लगा कि नहीं तो चांद उगने लगा चांद उगने धीरे धीरे जितना दूर जाएगा जब चांद यहां जाएगा देखिए एक समय आएगा चांद यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा घूम के यहाँ आएगा कि नहीं फिर एक समय आएगा घूम के यहां आएगा फिर यहाँ जाएगा घूम के फिर ऊपर जाएगा यहाँ ऐसे साइकिल चलते जाएगा यहाँ पर नहीं जाएगा रोटेशन अभी बताइए पूरा का पूरा चांद हम काला कर देते हैं पहले काला कर देते फिर वाइट करेंगे उसको ऐसे घर, रंगने में दिक्कत हो जा रहा है यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब चंद्रमा आएगा तब यहां तो नहीं रहेगा ऐसा भी सोच रहा है सब यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा अरे ये यहां से घसक के यहां। अब पे यहां पे जब आ गया तो जादे एरिया, पे क्या, होगा? लाइट पड़ेगा। जादे एरिया पे क्या पड़ेगा लाइट अब हम लोग को इतना बड़ा चांद दिखने लगेगा नहीं दिखेगा इतना बड़ा दिखने लगा तो चांद बड़ा हो गया अच्छा जब यहां आएगा तो इस साइड में क्या होगा चांद ये बताइए अब हमें चंद्रमा जितना दिखेगा उतना का उतना सफेद दिखेगा तो यही आपको क्या हो गया पूर्णिमा 100% तो भूल जाइए किसी भी थ्री चीज का आप हंड्रेड एक जगह से नहीं देख सकते हम आपके सामने खड़े हंड्रेड परसेंट का पीठ दिख रहा है लेकिन यहां पे चंद्रमा जितना दिखेगा पूरा दिखेगा जो हमारे सामने है, वो पूरा का पूरा चंद्रमा दिखेगा तो इसे हम क्या कहेंगे फूल मून अंग्रेजी में कहेंगे अंजोरिया पूर्णिमा अच्छा हिंदी में इसे कहेंगे फुल मून फुल मून इसलिए क्योंकि जितना अब हमारी ओर से दिख रहा है वो सबका सब सफेद सब दिख रहा तो ये हो गया आपका कौन सा अंजोरिया पूर्णिमा कौन सा दिन पूर्णिमा देखिएगा अक्सर चुराइन वाला फिल्म बनेगा ना तो हमेशा अमावस के दिन आप ध्यान दीजिएगा जितना भारत की फिल्में होंगी उसमें चुरैन जगेगी अनहरिया के दिन अमावस के दिन 20 साल बाद मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म है बीस साल बाद चुरा ले जाना चाहती है अच्छा कभी देखो आदमी भूत बनते हुए हा? लड़की सब भूत बन जाते चाहे नागिन वगैरह वहां पर पिछले जन्म में तुमने मेरे नाक को मारा था मैं बदला लू पुरुष बदला नहीं लेता दूसर खोज लेता है नहीं आया, खचरा होता है पुरुष लड़की लोग अभी भी समझो बदला वाला नहीं लेने वाला है वो, क्या करेगा दूसरा खोज लेगा लड़की सब बदला लेंगे इतना मेहनत से खोज लेते हम तुमको क्या पता चालीस करिक्का में से एक को छाटे थे हम बदला लेगी सब आ गया कि नहीं आ रहा है कोई दिक्कत लड़का सब आप बताओ तुम लोग नाग रहता तो कोई नागिन को पूछ देता तो तुम ओक खोज के अमेरिका तक बदला लेता कि दूसरा नागिन खोज <laughs> देखो कितना खचरा है सब खुलिया बोल रहा है सब दूसरा नागिन नहीं जान जाए अरे बहुत खचरा है सभी सब भले पनिया साफ मिले <laughs> लेकिन बदला ना लेगा <laughs> आगे देखिए ध्यान से ये ये कौन सा दिन है पूर्णिमा पूर्णिमा इस बात पर डिपेंड करता है देखिए चंद्रमा की कलाएं इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सा भाग दिख रहा है हमें कौन सा भाग दिख रहा है देखिए यहां पर भी क्या था दिख रहा यहां पे भी सूर्य के प्रकाश पड़ रहा था हमें नहीं दिख रहा था हम कह दिए इसके अमावश और यहां पे पूरा प्रकाश पड़ रहा है हम कह दिए पूर्णिमा क्या ये क्या चंद्र क्या पृथ्वी इसके प्रकाश को नहीं रोकेगा

उससे तो अलग दुनिया में घूम रहा है आप गौर कीजिएगा भारत में मेन लीडिंग रोल हीरो का होता है हीरोइन सब बस लव स्टोरी मार कराने गाना कर... गाना गाने में आती है सब ब्रेकअप लव स्टोरी गाना मार कराने, बस मेन इनको यही कैरेक्टर दिया जाता है और ज्यादा लीड कैरेक्टर में कौन रहता है हीरो और वही अगर बॉलीवुड में चले जाएगा ठीक उल्टा हो जाता है वहां लड़कियां लीड कैरेक्टर में हो जाती है आई भोदाव का पर्स लेके घूमता है <laughs> आगे हैरी पॉटर, हैरी पॉटर तो बहुत बढ़िया वो है वहां पर हैरी पॉटर किसने लिखा है जेके रोलिंग्स क्वेश्चन पूछेगा याद हॉक वर्सेस चलिए ध्यान से देखिए मेरी ओर देखिए अब सूर्य यहां जाएगा यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा आगे जा तो इमेजिन कीजिए अब ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा यानी अब इधर प्रकाश दिखा अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं अमावस की अब ध्यान दीजिएगा जो सेप इधर बना था ठीक उसका उल्टा इधर बनेगा दिख रहा है इधर भी चंद्रमा दिख रहा है इधर भी दिख रहा है जिस डिजाइन से इधर दिख रहा है उसका उल्टा इधर दिखेगा 2017 में कोनो हल्ला कर दिया कि चांद उल्टा निकलेगा अरे ये ससुर ये तो हमेशा होता है जो इस डायरेक्शन से जाएगा उसका उल्टा इस डायरेक्शन से नहीं होगा चांद उल्टा दिखेगा चेतना खाली बैठल रहता है ना सब आप सोचिए ये सबको पता है कि ज्यादा जान कोरोना ने लिया ज्यादा खतरनाक कोरोना था इकोनॉमी बिजनेस बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर दिया कोरोना लेकिन कोरोना को वह दर्जा नहीं मिला जो मोहनचुआ को मिला था <laughs> चोटी कटुआ को मिला था जबकि ये लोग जान नहीं लिए थे अफवाह के चक्कर में कुछ छत्ते से कूद गया कोई कुछ लेकिन हा? सिल्वर गया सिल्वर टूट गया अच्छा ऐसे हल्ला किया था सब तो भारत में एक सेनविन तो एक नेचुरल फेना है कि जब इधर से आएगा तो जिस डिजाइन से रहेगा उसका उल्टा इस डिजाइन से रहेगा अब आगे जाएगा तो सूर्य का प्रकाश ये चमकेगा यहाँ पे अब ऐसे दिखेगा देखिए सेम भाग में चमक रहा बस ठीक क्या है उल्टा ठीक क्या है उल्टा जब यहां जाएगा तो सूर्य का प्रकाश यहां चमकेगा उस हमको दिखिए नहीं रहा तो ये क्या हो गया अमावस फिर अमावस से इधर बढ़ेगा तो छोटा सा चंद्रमा फिर बड़ा सा फिर कंप्लीट दिखने लगेगा फिर क्या होगा छोटा फिर क्या होगा और छोटा फिर धीरे धीरे अमावस हो जाएगा तो इसी को चंद्रमा की क्या कहते हैं कलाएं चंद्रमा की क्या कहते हैं कलाएं फेजे ऑफ मून तो ये क्या हो गया भैया ये हो गया आपका पूर्णिमा अमावस ये क्या हो गया अमावस पंची हो गया जी चलिए ध्यान दे नीचे कुछ हुआ होगा ये कौन सा जगह अमावस अमावस और ये पूर्णिमा अमावस और पूर्णिमा हो गया अरे वो नीचे कुछ छड़ वगैरह आ जा रहा है तो आप ऐसे मत डरिए भूकंप रोधी बिल्डिंग है आगे बढ़े भूकंप रोधी है बाबू इतना बड़ा क्लासरूम में ऐसे थोड़ी आ जाते हम बहुत पहले पहले नीचे जिम था ना उसमें पढ़ाते थे ऑफिस उफिस कुछ नहीं था यहाँ पे यही कुर्सी पे बैठा रहते थे फिर धीरे धीरे जिम के बाद उसके ऊपर वाले आए हॉल नंबर दो में उसके बाद लाइब्रेरी उसको लाइब्रेरी बना दिए अब फिर इस पर चले फिर ऐसे ऐसे आ गए तो ऐसा थोड़ी है कि आपको मतलब वहाँ बन के चले भूकंप भूकंप आ गया सब मेरा कैमरा ओमरा टूट टूट जाएगा <laughs> तो हमको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है कैमरा है पंखा है ट्यूबलाइट है पंखा कूलर ये सब टूट टूट जाएगा तो इस सब की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इसे क्या बनाया गया है भूकंप विरोधी हाँ, पैनल है पहले चौक से पढ़ाते थे हम चौक से तो हाँ काला लड़का को बचाना जरूरी है हाँ? आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं ना क्या हर दिन चांद की आकृति बदलती बिल्कुल बदलती है बत बट हर दिन चेंजिंग को एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है जब तक चेंजिंग ज्यादा नहीं हो नहीं पता चल पाएगा समझ में आ गया ज्यादा चेंजिंग रहता है तब समझ में आएगा किसी को दिक्कत अब एक आध हफ्ता के बाद चेंजिंग दिख दिखने फील होने लगती है हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा चेंजिंग होगा तो ये समझ में आ गया अम, अमावस ये पूर्णिमा अमावस और अमावस से पूर्णिमा के दिन को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष क्योंकि यह बड़ा होने जा रहा है चमकीला होने जा रहा है इसे अच्छा माना जाता है और इधर जो होता है इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष मतलब यह है कि यह काला होने जा रहा है कृष्ण भगवान को श्याम बोला जाता था श्यामला समझ आ नहीं गया श्याम हालांकि उनका कलर अलग था समझ आ आ नहीं गया? नीला। मतलब श्यान कलर था समझ आ न... तो इस इस घटना को क्या कहते हैं कृष्ण पक्ष कौन सा पक्ष कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष। ऐसे क्या कहेंगे शुक्ल पक्ष कौन सा पक्ष शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष आ गया साढ़े चौदह दिन का शुक्ल पक्ष और साढ़े चौदह दिन का कृष्ण पक्ष यानी चौदह चौदह अट्ठाईस तो चंद्रमा एक 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 महीना अट्ठाईस चंद्रमा वापस आ जाता है अट्ठाईस दिन कितने दिन में अथा... इसे चंद्रमा की क्या कहते हैं कलाएं चंद्रमा की कलाएं किसी को दिक्कत अमावास से पूर्णिमा हमें चंद्रमा पूरा कब दिखता है पूर्णिमा इसे कहेंगे फुल मून और इसे कहेंगे न्यू मून ये कौन सा पक्ष शुक्ल पक्ष ये yeah? yeah. हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें पढ़िएगा आज तारीख छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास या मीति मार्ग शीर्ष शुक्ल शीर्ष शुक्ल सप्तमी शुक्ल की चौथी तारीख को सातवीं शुक्ल सप्तमी यानी इस तारीख को लागू हुआ था संविधान तो जब आप जन्म लीजिएगा ना तो आपका चंद्रमा के हिसाब से देखा जाएगा कि आप कृष्ण पक्ष में लिए आएगी शुक्ल अमावस में लिए आएगी पूर्णिमा में लिए अब इतना कौन ध्यान रखता है लेकिन बहुत सारे लोग इस सबको बहुत वैल्यू देते हैं समझ में आगे शादी ब्याह में भी ये सब चीज़ें होती हैं अब एक बात बताइए आप कितनों भी आप मिला लीजिए ये सब चीज़ें और अब अगर बाल बच्चों को कोई संस्कार ही नहीं दिया शिक्षा ही नहीं दिया तो क्या मतलब बनता है इसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं संस्कारी हैं तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करेंगे और आलतू पालतू अब पढ़े लिखे नहीं है वो है नहीं ज़्यादा बहुत बड़ा सोच है नहीं तो डेली मार होगा समझ में आएगी नहीं आ गया सब चीजें हालांकि मानने वाले को आप मना नहीं कर सकते आप मानिए लेकिन उसके साथ शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है शुक्ल पक्ष समझ में आ गया हो गया ये कौन अंग्रेजी में इसे ये? ये पूर्णिमा है किसी को दिखा कितना दिन में चक्कर लगा अट्ठाइस और नहीं तो उनतीस अट्ठाइस या उन्तीस दिन साढ़े साढ़े चौदह दिन में एक बार चक्कर लगा लेता है

या दूसरा तारीख को क्या पड़ गया पूर्णिमा तो उसी महीने में आखिरी दिन क्या पड़ेगा पूर्णिमा क्योंकि एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा में अट्ठाइस दिन का एक अमावस से भी अगले अमावस में अट्ठाईस यानी साइकिल कितने का है अट्ठाईस अट्ठाईस या उनतीस समझ में आ रहा है कि नहीं यानी पहला दूसरा या तीसरे तारीख को अगर पूर्णिमा पड़ रहा है तो उसी महीने में लास्ट में आपकी पूर्णिमा की संभावना बन जाए पहला तारीख को पड़ गया तो कन्फर्म पड़ने वाला है दूसरा को भी पड़ेगा तो कंफर्म और तीसरा को पड़ा तो चांसेज है अगर इकतीस का महीना है तो पड़ जाएगा और ना तो पता चला फरवरी में पड़ा तो सो तो हेल जाएगा नहीं समझना फरवरी में तो हेल जाएगा ना तो अगर कभी किसी महीने में दो पूर्णिमा पड़ जाए कितने पूर्णिमा दो तो पहल का जो नेचुरल पूर्णिमा था उसे हम कहेंगे फुल मून क्या कहेंगे बट जो दूसर का पूर्णिमा उसी महीने पड़ गया उसे हम कहेंगे ब्लू मून क्या कहेंगे ब्लू कौन मून ब्लू मून वो नीले रंग का दिखता नहीं है नाम है एक ही महीने में अगर शुरुआत में पूर्णिमा और लास्ट में पूर्णिमा पड़ने की संभावना होती है तो पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून और अमावस को न्यू मून अमावस को न्यू। किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़ जाना किसी को दिक्कत बोलो रात को हाँ। बैठो बाबू का क्वेश्चन है कि जिस तरह से सूरज रात भर चमकता है दिन भर चमकता है और दिन भर दिखाई देता है चंद्रमा क्यों नहीं दिखता है अब ध्यान से समझो चंद्रमा भी रात भर दिखाई देता है इसका क्वेश्चन करना है जिस तरह दिन में पूरा भर दिन सुबह से शाम तक सूर्य दिखता है उस तरह भर रात इनको क्या दिखना चाहिए चंद्रमा तो पहली बात सुनो ध्यान से चंद्रमा भर रात दिखता है लेकिन उसका बॉड साइज का नहीं होता है अब ये ससुरा रात भर दिखे तो क्या पता चलने वाला समझ में आ रहा है दूसरी बात सूर्य के पास अपना एनर्जी वो अपनी पैसा पे उड़ रहा है और चंद्रमा बाबू जी के पैसा पे उड़ रहा है समझ में आ गया कि नहीं नाते तो भर ना चमकेगा समझे चंद्र सूर्य के पास अपना उष्मा और फुल साइज में चमक रहा है इसके पास अपना उष्मा ही नहीं अपना प्रकाश ही नहीं जितना चमक रहा है उसी का रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये ये भी दिखता है पूरा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं डाल ध्यान नहीं दिए होगा चंद्रमा को पूर्णिमा को देखना ध्यान से ये पाँचे बजे से समय से दिखने लगेगा बाड़का धोधड़ सामने से दिखना और रात तक और कभी कभी तो ऐसा वोल्टेज दिखाई देता है तो मत जो मत चांद जो पूर्णिमा की चांदनी रात होती है वही ब्लू मून बहुत नजदीक हो जाता है ऐसा कुछ नजदीक से क्या मतलब नजदीक और दूर डिपेंड करता है सुपर मून पर नजदीक है या दूर है ये डिपेंड करता है सुपर मून अब उपभू के समय सुपर मून कितना परसेंट दे। कितना परसेंट और अपभू के समय दूर हो जाता है छोटा दिखता है लेकिन पूरा दिखेगा या नहीं दिखेगा किस पे डिपेंड करता है पूर्णिमा इस घटना को चंद्रमा की क्या कहते हैं कलायन चंद्रमा की कला फेजेज ऑफ द मून फेजेज ऑफ द मून आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं ना न्यू मून किसे कहेंगे अमावस फुल मून ब्लू मून एक ही महीने के दूसरे पूर्ण, सुपर मून उपभू के समय बड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं अब बज गया रेड मून चांद ग्रहण के दिन चांद लाल दिखने लगता है उसे क्या कहेंगे रेड मून क्या कहेंगे रेड मून वो ग्रहण के समय दिखता है ग्रहण के समय चांद को रेड मून कहते हैं। आगे का कल समझेगा